हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज जी, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला मुकेश खन्ना का घर। तो गाइज, मैं अभी इस टाइम मुंबई के मरीन लाइन इलाके में खड़ा हूँ। तो गाइज, यहीं पे उनका घर है। तो गाइज, आप लोग बता दूँ कि जो महाभारत में भीष्म पितामह का जो रोल किए थे और शक्तिमान का जो किरदार निभाए थे, शक्तिमान का जो रोल किए थे वो मुकेश खन्ना ही थे गाइज। तो आज की वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा कि मुकेश खन्ना मुंबई में कहाँ पर रहते हैं, उनका घर कहाँ पर है और किस प्रकार से उनकी लाइफ स्टाइल है गाइज। तो गाइज, सबके मन में एक विचार रहता है कि महाभारत के भीष्म पितामह अभी किस प्रकार से होंगे, और बहुत सारे बच्चों के मन में यह होगा कि शक्तिमान जो थे वो अभी कहाँ पे हैं, अभी जीवित हैं, या उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनका घर कहाँ पे है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि मुकेश खन्ना अभी किस हालत में है और उनकी घर कहाँ पे है और अभी क्या करते हैं वो, तो फिलहाल आप लोगों को दिखाने वाला इस वीडियो में। तो गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और वीडियो में पूरा बने रहे गाइज। तो फाइनली गाइस, मैं मुकेश खन्ना जी के घर के पास पहुंच चुका हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पीछे बिल्डिंग जो देख पा रहे हो गाइस, इस बिल्डिंग का नाम परिजात। तो आइए आप लोगों को दिखाता हूं कि ये बिल्डिंग किस प्रकार से दिखता है अभी। तो बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें गाइस। तो गाइस, इसी के छठवें फ्लोर पर भीष्म पितामह जी रहते हैं, छठवें फ्लोर पर सबसे ऊपर। और काफ़ी शानदार बिल्डिंग गाइस, देख पा रहे आप लोग, काफ़ी अच्छा सा लोकेशन है और काफ़ी शांत एरिया है गाइस यहाँ पे। और इसी जगह यहाँ पे भीष्म पितामह जी रहते हैं, तो आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी शानदार बिल्डिंग है, पूरा कांच का बना हुआ। तो गाइज, आइए इनके कुछ बायोग्राफी के बारे में आप लोग को बताता हूँ। मुकेश खन्ना का जन्म 23 जून 1958 के मुंबई में हुआ था और अभी उनका उम्र पूरे 64 साल हो चुके हैं। और इन्होंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई मुंबई से की थी, फिर इन्होंने मुंबई के विद्यालय से ग्रेजुएशन किए और BSc की डिग्री पूरी होने के बाद इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करने के बारे में सोचे, जिसके लिए मुकेश खन्ना ने भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्था पुणे से एक्टिंग की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखे। अभी मुकेश खन्ना जी की शादी के बारे में बात करें तो गाइज, ये आजीवन अविवाहित ही रहे हैं, मतलब मुकेश खन्ना की कोई पत्नी नहीं है। इससे एक बात जाहिर होती है कि इनके बच्चे भी नहीं हैं और किसी महिला के साथ अफेयर की खबरें भी नहीं रहे हैं। तो गाइज, मुकेश खन्ना जी के घर के पास में ही समुद्र है, जो आप लोग देख पा रहे हो साइड में, अभी घेरा हुआ है, कुछ काम चल रहा है। और पास में ही वानखेड़े स्टेडियम है जहाँ पे क्रिकेट मैच होता हो। तो गाइज, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना महंगा यहाँ का जगह है, और उसी के करीब मुकेश खन्ना जी रहते हैं। मुकेश खन्ना जी बहुत ही सरल और सादा जीवन जीने वाले इंसान हैं। मुकेश खन्ना जी के परिवार की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर इनके माता पिता से संबंधित ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनका एक बड़ा भाई वेद खन्ना था, जिनका निधन वर्ष 2018 में हो चुका है। और इनकी बड़ी बहन कमल कपूर जी का भी निधन कोरोना वायरस से कुछ समय पहले ही हुआ था। मुकेश खन्ना आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की है। मुकेश खन्ना ने शुरुआती दिनों में 1981 में एक फिल्म की थी जिसका नाम रूही है, जिसमें उनकी सुंदरता और बेहतरीन अभिनय को देखते हुए लिया गया था। और मुकेश खन्ना बिना सोचे समझे इस फिल्म को हाँ कर दी थी। फिल्म रूही में काम करने के बाद अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखे। मुकेश खन्ना ने जब 1981 में फिल्म रूही में अभिनय किया तो बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत लिए थे। इसके बाद 1988 में TV धारावाहिक महाभारत के लिए इनको चुना गया, जिसमें इन्होंने भीष्म पितामह के किरदार निभाए, जिसके कारण लोगों के दिमाग में यह भीष्म पितामह ही थे, ना कि मुकेश खन्ना। तो गाइस, आप लोग बता दें कि जब मुकेश खन्ना जी ने भीष्म पितामह का रोल किए तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में विवाह ना करने का निर्णय लिए। यह एक्टिंग का ही टैलेंट है जो कि वह इस किरदार में पूरी तरह समा गए। इसके बाद इन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे कि सौगंध, तहलका, सौदागर, बेताब बादशाह इत्यादि। उसके बाद साल 1997 में मुकेश खन्ना ने शक्तिमान नामक एक धारावाहिक सीरियल बनाए थे, जिसमें उन्होंने स्वयं ही शक्तिमान और गंगाधर की किरदार निभाए थे। इस अभिनय ने सभी के दिलों को जीत लिया, खासकर बच्चों को यह धारावाहिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मुकेश खन्ना जी भारतीय जनता पार्टी BJP में 1998 से ही जुड़े हुए हैं। तो गाइस, अगर मुकेश खन्ना की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो लगभग 22 करोड़ रुपये के मालिक हैं। उनका एक जुहू में ऑफिस है और वो दो एक्टिंग की स्कूल चला रहे हैं, जहां हर उस बच्चे को एक ट्रेनिंग दिया जाता है जो एक्टर बनने की सपना देखते हैं।
तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो आ सकते हो। यहाँ के एड्रेस बता दो आप लोगों को, यह है मुंबई का मरीन लाइन और अनुवर्त मार्ग है गाइज। तो आप लोग देख पा रहे हो मेरे पीछे एक जो बोर्ड लगा है इसका नाम है अनुवर्त मार्ग। तो यहाँ पे आके आप लोग मिल सकते हो मुकेश खन्ना से। तो गाइज वो अभी यहाँ पे नहीं है, इसे गार्ड ने बताया कि वो कहीं घूमने के लिए गए हैं बाहर, तो वो मिल नहीं पाए गाइज अभी। और गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। और आज के लिए बाय।